हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 एक्सरसाइज के 1 से 8 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से। क्वेश्चन 9 गिवन है, द सम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP आर इन द रेशियो 5n+4 रेशियो 9n+6। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 18 टर्म्स। रेशियो ऑफ 18 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। रेशियो ऑफ 18 टर्म ये हमें निकालना है। तो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम लेके चलेंगे। देन लेट, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं A1 एंड D1 बे द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे सबके पास दो प्रोग्रेशन है ना, तो फर्स्ट AP की हम मान लेते हैं कि A1 फर्स्ट टर्म होगी और D1 उसका कॉमन डिफरेंस होगा। एंड A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, तो अगर हम निकालें रेशो ऑफ 18th टर्म का रेशो फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है। 18th टर्म कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है A+(n-1)(d)। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर फर्स्ट AP की बात करें तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है और D1 कॉमन डिफरेंस है, तो A की जगह पे A1 हो जाएगा और D की जगह पे D1, और N की वैल्यू हमें गिवन है 18, तो ये आ जाएगा A1+(18-1)(d1)। दिस इज़ द फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड सेकेंड का आ जाएगा, हम रेशो लेके चले फर्स्ट रेशो सेकेंड 18-1, दोनों की 18वीं टर्म का रेशो निकाल रहे हैं D2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं A1+(17D1) A2+(17D2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2A1+(34D1 एंड 2A2+(34D2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 34 को लिख दिया मैंने +(35-1)(d1), सेम टू सेम 2A2+(35-1)(d2, 35-1 = 34। ठीक है, नाउ वी डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब सम का फॉर्मूला, इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स हम सम ऑफ, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 35, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A+(n-1)(d)। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे इसको n/2। मीन्स हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n यहाँ पे हमारा 35 हो गया। अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूले से तो n हमारा यहाँ पे होगा 35, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35/2 दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। ठीक है, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया 35/2 इंटू 2A1+(35-1)(d1) ऐसे ही डिवाइड में कर लेंगे। 35/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A2+(35-1)(d2). ठीक है, दिस इज़ द सम ऑफ 35 टर्म्स। देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, यानी ये हमारा SN होता है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ 35 टर्म्स। नाउ रेशो क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दे रखा है 5n+4 ratio 9n+6। तो AP का हमारे पास हम रेशो ले लेते हैं, सम ऑफ, यहाँ पे हमारे पास सम आ गया है तो इसका रेशो दे रखा है 5n+4 ratio 9n+6। Where n की वैल्यू क्या हो जाएगी, Where n इक्वल टू 35। 35 कैसे आया, ये हमने बना लिया सम का फॉर्मूला। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे
सम वाले फॉर्मूले से, तो n माइनस वन यहाँ पे 35 माइनस वन, n बाय टू होता है तो 35 बाय टू, तो ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया। और इसका रेशियो दे रखा है n टर्म्स का, तो n की वैल्यू हम 35 रख देंगे तो हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लेके चले हैं, यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं 35, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइड में 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्या लेके चले थे हम स्टार्टिंग में, रेशियो ऑफ 18th टर्म। कैसे निकाला हमने, यूज़ किया इसका, इसको बनाया हमने सम ऑफ 35 टर्म्स, ये हमने 35 यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया, लेके चले थे 18th टर्म। ठीक है, और कन्वर्ट यूज़ किया हमने सम ऑफ एन टर्म्स के जो रेशियो दे रखा था इसका, और ये आंसर आ जाएगा रेशियो ऑफ 18th टर्म ऑफ एन टू एफ। क्वेश्चन 10th, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। एक ए पी के पी टर्म्स का सम इक्वल दे रखा है क्यू टर्म्स के सम के। ठीक है, ये हमें गिवन होगा और निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें एस पी प्लस क्यू, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, नाउ ए पी हमारे पास, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी। ठीक है, तो हम एस पी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस पी हमारा क्या हो जाएगा, पी बाय टू, टू इंटू ए, ए इज द फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन होता है तो पी माइनस वन इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस, डी हमने लिया है कॉमन डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू, ऐसे हम एस क्यू का अप्लाई कर देंगे, क्यू बाय टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दस। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस साइड। हम यहाँ से सॉल्व क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू डी में फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी की भी। चलिए देखिए कैसे करेंगे, टू ए पी प्लस, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी, पी की मल्टीप्लाई से इसके साथ किए इंटू डी इक्वल टू टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, डी डी वाला पोर्शन इकट्ठा कर लीजिए और ये वाला इकट्ठा कर लेते हैं ए वाला। ठीक है, तो 2a इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, p माइनस टू ए क्यू, एंड यहाँ से p, चाहे इसको सेपरेट ही रहने दो, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू एंड नहीं सेपरेट ही कर लीजिए इसको, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे हम तो p स्क्वायर माइनस पी इंटू डी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम देखते हैं d कॉमन आ जाएगा हमारा, d कॉमन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, p इन पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू एंड माइनस पी और ये प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, इसको जब ओपन करेंगे ना, माइनस ओपन करेंगे, डी कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो पी प्लस का हो जाएगा, क्यू माइनस का हो जाएगा। ओके, देन इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस क्यू यहाँ से आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन। इस तरह से इसको सॉल्व कर लें तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, टू ए पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू, मीन्स इसमें से पी माइनस क्यू कॉमन लेंगे, यहाँ से भी आ जाएगा तो पी माइनस क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा यहाँ से 2a प्लस
पी माइनस क्यू तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचा पी प्लस क्यू एंड यहाँ से पी माइनस क्यू कॉमन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको इधर राइट साइड पे लेके आओगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगी ये इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम, देन एस पी प्लस क्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी प्लस क्यू बाय टू इंटू टू ए प्लस एन इज पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमने एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे पी प्लस क्यू है और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखिए टू ए प्लस पी पी टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, इसका यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सेम फैक्टर है दिस। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय टू इंटू ज़ीरो, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हम रख देंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू दिस इज कम्प्लीट ज़ीरो, तो आंसर आ जाएगा एस पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो पी प्लस क्यू टर्म्स का सम आ गया ज़ीरो। क्वेश्चन इलेवेंथ गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी, यानी एस पी हमें ए गिवन है, एस क्यू बी एंड एस आर सी, देन हमें ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें एस पी, ए गिवन है, एस क्यू बी और एस आर, आर टर्म का सम सी गिवन है। ठीक है, तो ए पी की आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ से लेके चलना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल ए हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम ले लेते हैं लास्ट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी इज द कॉमन डिफरेंस। नाउ एस पी हमें ए गिवन है, एस पी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस पी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पी बाय टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू, सॉरी हमने कैपिटल ए लिया है ये चीज़ ध्यान रखनी है, और कैपिटल डी लिया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, पी बाय टू को इधर ले जाइए, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू ए बाय पी, यहाँ पे हम इधर ले आए इसको। ठीक है, नाउ सेकंड हमें दे रखा है एस क्यू इज इक्वल टू बी, देन क्यू बाय टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी हो जाएगा। सेम टू सेम तरीके से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड आएगी, इसको आप इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा टू बी बाय क्यू, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एस आर हमें दे रखा है सी, सी इसको ओपन करेंगे देन आर बाय टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी, यहाँ से फिर हम आर बाय टू को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा इधर जाके तो ये आ जाएगा टू सी बाय आर, ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए ए बाय पी क्यू माइनस आर, ए बाय पी तो हमारे पास राइट साइड पे है, इसके साथ हमें क्यू माइनस आर चाहिए, नेक्स्ट हमें बी बाय क्यू आर माइनस पी और थर्ड में c बाय आर है p माइनस क्यू, तो हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं q माइनस आर से, मल्टीप्लाई बाय q माइनस आर, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से एंड इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू से। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे and adding then we get, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया हमने q माइनस आर से, इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि हमें सबको ऐड करना है तो 2a 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 सब में आएगा तो कॉमन ले लेंगे हम, फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, प्लस यहाँ से करेंगे क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई किया है आर माइनस वन इंटू डी
प्लस, पहले लेफ्ट लेफ्ट साइड ऐड कर लेते हैं, ये वाली ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी पी माइनस वन, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, प्लस सेकंड की राइट हैंड साइड, सेकंड को मल्टीप्लाई किया हमने आर माइनस पी से, आर माइनस पी इंटू टू ए प्लस आर माइनस पी इंटू, सेकंड में देखिए यहाँ पे क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यू माइनस वन इंटू डी, और प्लस में लेफ्ट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन की यहाँ से आ जाएगा, थर्ड को मल्टीप्लाई किया हमने पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू डी, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया और तीनों को ऐड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, टू ए बाय पी, टू ए बाय पी फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर से, प्लस टू बी बाय क्यू इसको हमने किया कि आर माइनस पी से, एंड नेक्स्ट आ जाएगा टू सी बाय आर इसको पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई, ओके। नाउ ये हमारी राइट हैंड साइड चल रही है, राइट हैंड साइड को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट टू सब के साथ कॉमन आ रहा है, टू को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू। राइट हैंड साइड पे देखिए टू ए, टू ए और एक फैक्टर और टू ए का ये रहा, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, दिस दिस एंड दिस, तो 2a आ जाएगा कॉमन, यहाँ से क्या बचा q माइनस आर, यहाँ से r माइनस पी एंड नेक्स्ट फैक्टर से p माइनस क्यू, ठीक है। फिर ये एंड ये अन्य, इसमें से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया, इसकी या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए r पी क्यू माइनस पी आर, यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू प्लस आर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर रहे हैं हम इनको आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और लास्ट फैक्टर इज दिस, ये आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, और डी हो गया कॉमन। जो ए वाला है फैक्टर ये सारे कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे, पी क्यू पॉजिटिव और पी क्यू नेगेटिव कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू एंड आर आर कैंसिल, ठीक है। तो कंप्लीट फैक्टर ज़ीरो, यहाँ पे भी कंप्लीट फैक्टर कैंसिल, तो सारा जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा टू को इधर लेके जाएंगे तो टू यहाँ से आ जाएगा टू ए इंटू जीरो प्लस यहाँ से आ जाएगा d इंटू जीरो, तो राइट हैंड साइड हमारी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू a बाय पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू, और टू को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो जीरो इंटू जीरो बाय टू इज ज़ीरो, और यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ द सम ऑफ m एंड टर्म्स ऑफ ए पी इज एम स्क्वायर रेशो एम स्क्वायर, मीन्स आपको दे रखा है एस एम रेशो एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये हमें गिवन है, शो दैट द रेशो ऑफ द एम एथ और एन एथ टर्म ये होगा, यानी हमें निकालना है एम एथ और एन एथ टर्म का रेशो, यानी हमें फाइंड आउट करना है ए एम बाय ए एन इज इक्वल टू, ये रेशो आना चाहिए 2a माइनस वन बाय टू एन माइनस वन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, sm फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m बाय टू, वही सेम चलना हमें a फर्स्ट टर्म मान के चलेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो m बाय टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाय n बाय टू 2a plus n minus 1 into d, this is equal to m square by n square, 2 से 2 cancel, m से एक m cancel, एक m से एक m cancel, ठीक है। तो remaining is a 2a plus m minus 1 into d
डिवाइड बाय 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम बाय एन। ठीक है, तो हमें यहाँ से mth और nth टर्म निकाल रहे हैं, तो हम एक किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2a इंटू एन प्लस एम एन माइनस एन, एन से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली इंटू डी, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू एम इंटू टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू एम, एम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको एम एन माइनस एम और इंटू में डी रह जाएगा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, टू ए ये और ये, इधर माइनस का आ जाएगा, टू ए कॉमन निकाल लेंगे, एन माइनस एम हो जाएगा, दिस फैक्टर इज अ माइनस, तो ये आ जाएगा एम एन माइनस एन, और ये इधर आके माइनस का होगा, तो एम एन प्लस एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस एम, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे एन माइनस एम, इम्प्लाइज दैट टू ए एन माइनस एम कॉमन ले लीजिए, या फिर एक बार बना लो फैक्टर, एन माइनस एम माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा एन माइनस एम इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा एन माइनस एम टू ए माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर आके जीरो हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, टू ए माइनस डी इक्वल टू ए माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो, और टू ए की वैल्यू आ जाएगी डी। ठीक है, अब हम जो प्रूव करना है निकालना है वो देखिए, ए एम बाय ए एन, ए एम का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाय nth का लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो या फिर आप d की वैल्यू पुट कर सकते हो, किसी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम d की वैल्यू रख लेते हैं 2a, तो यूज़ करेंगे यहाँ से a प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए, डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए, ए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस एम माइनस वन, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज़ माइनस टू, और ए हमने ले लिया कॉमन, सेम टू सेम ए वन प्लस टू एन माइनस टू, और ए से ए कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो टू एम माइनस वन टू एन माइनस वन, और यही हमें प्रूव करना था कि इसका रेशियो टू एम माइनस वन बाय टू एन माइनस वन आएगा। क्वेश्चन 13th इज, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म दे रखी है 164, तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें sn n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर प्लस 5n, और हमें गिवन है कि mth टर्म दे रखी है 164, और फाइंड आउट क्या करना है, m की वैल्यू हमें चाहिए। देखिए एस एन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, किस तरह से, ये नंबर ऑफ एन टर्म्स का सम, अगर हम एस एम निकालते हैं तो एन के प्लेस पे हमारे पास एम हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 5m। ठीक है, नाउ अगर मैं निकालूँ कि सम ऑफ m माइनस वन, एम माइनस वन टर्म्स का सम, तो जहाँ जहाँ पे भी आपके पास m है वहाँ पे m माइनस वन कर देंगे 5m माइनस वन। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है, देखिए अगर आपके पास a1, a2, a3, a4 और a5, मान लीजिए पांच टर्म है, s5, s5 का मतलब क्या होता है, शुरू की पांच टर्म्स का सम, मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, और s4 क्या होता है, स्टार्टिंग की फोर टर्म्स का सम, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। एस फोर का मीनिंग ये नहीं है कि आप टू से स्टार्ट कर दोगे, फाइव टर्म कोई भी चार टर्म का सम ले लोगे, ऐसे नहीं होता, फर्स्ट फोर टर्म्स एस फोर सम करेंगे, फर्स्ट फोर का, एस फाइव सम करेंगे हम फर्स्ट फाइव टर्म्स का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं करूँ एस फाइव माइनस एस फोर, अगर दोनों को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से माइनस करेंगे, कंप्लीट में से ये माइनस करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ए वन से ए वन अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस की हो जाएंगी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, और अगर ऐड करेंगे तो ए टू से ए थ्री से ए फोर क्या बचेगा यहाँ से, ए फाइव। मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है कि अगर पांच टर्म के सम में से मैं चार टर्म का सम माइनस कर देती हूँ तो मुझे पांचवी टर्म मिल जाएगी, समझ गए,
ऐसे ही अगर आपके पास एस 10 है, स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम, अगर आप इसमें से एस 9 माइनस कर देंगे तो आपको 10वीं टर्म यहाँ से मिल जाती है, समझ गए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि हमें एम एस टर्म दे रखी है, तो मैं यहाँ से एम एस टर्म निकाल लूँगी। निकलेगी कैसे, एम टर्म्स के सम में से एम माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दें। अभी जैसे हमने यहाँ पे किया, 5 में से 4 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो A5 यानी कि 5वीं टर्म आ गई। यहाँ से अगर हम एस एम में से एम टर्म्स के सम में से एम माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा एम एथ टर्म। क्लियर। एस एम की वैल्यू रख दीजिए 3m² + 5m, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एम माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3m² + 1 -2m, एंड हम क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया था ना, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा -5m और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू am आ जाएगा। ठीक है, देन 3m² + 5m ओपन कर लेते हैं, -3m² - 3 + 6m - 5m + 5 = am। और यहाँ से am की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें m एट टर्म थी ना, am की वैल्यू पुट कर देंगे 164। 3m² से 3m² कैंसिल, 5m से 5m कैंसिल, और क्या बचा यहाँ से, 6m और 5 - 3 = +2 और इक्वल टू आ गया 164। 6m = 162, 2 को इधर ले जाएंगे और m आ गया, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको और 6 27 6 × 12 = 4, ये आ जाएगा 27। तो m की वैल्यू आ गई 27। नाउ वी डिस्कस द टॉपिक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है am। इफ a कैपिटल A एंड B, हमने लिए 3 नंबर, a कैपिटल A एंड B आर इन AP। अगर ये तीनों नंबर AP में है, a कैपिटल A एंड B, देन जो बीच का जो नंबर होगा इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर a एंड B। देन जो मिडल पे जो होगा ना नंबर a इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड B। निकालेंगे कैसे इसको, क्योंकि ये AP में है, AP में क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हमें a की वैल्यू चाहिए तो a इसको इधर ले आते हैं, a प्लस a, b a को इधर लेके जाएंगे b प्लस a, दिस इज 2a इज इक्वल टू a प्लस b लिख सकते हैं, a आ गया a प्लस b बाय 2। ये होता है अरिथमेटिक मीन। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ से ए बी सी ले लिया, ए बी सी, तो अगर ये ए पी में है देन तभी बनता है आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, देन बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ए एंड सी। ठीक है, अगर ऐसे ही आपके पास मान लीजिए ए और बी के बीच में, ये हमारा ए और बी दो नंबर ले लेते हैं, इसके बीच में लाई कर रहे हैं एन अर्थमेटिक मीन, मीन्स ए वन ए टू ए थ्री अप टू सॉन ए एन। क्या कहा हमने, ए और बी दो नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे किस में हैं, आर इन ए पी, ए पी में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 1 से लेकर n तक, n नंबर तो ये हो गए, दिस इज n प्लस 1 एंड n प्लस 2, दो नंबर a और b, तो n में ऐड कर देंगे, तो b जो है आपके पास किस प्लेस का नंबर हुआ, a n प्लस 2, n प्लस 2th प्लेस पे आएगा b। ठीक है,
तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? b इज इक्वल टू ए एन प्लस टू. अगर ये ap में है तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a है और d हम मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, एन प्लस टू का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी. इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ये आ जाएगी b की वैल्यू. ठीक है, सेम टू सेम आप ए वन की वैल्यू निकाल सकते हो. ए वन क्या आ जाएगा, d कॉमन डिफरेंस है. अगर मैं a में d ऐड कर देती हूँ तो सेकेंड टर्म आ जाती है a प्लस डी. ठीक है, थर्ड इज a टू कैसे निकालेंगे, a टू इज a प्लस टू डी, a थ्री a प्लस थ्री डी. तो इस तरह से हम इसके जो वैल्यूज निकालते जाएंगे. ए एन क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट किया तो वन मल्टीप्लाई, टू किया तो टू मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए प्लस एन इंटू डी. ये हमने क्योंकि ये ए पी में है इसलिए हम कर सकते हैं ऐसा कि ए में डी ऐड किया सेकेंड आ गया, ए में टू डी ऐड करेंगे थर्ड टर्म, ए में थ्री डी ऐड करेंगे दिस. ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड टर्म चल रही है, ये थर्ड टर्म चल रही है. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन टर्म दिस. अब d कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ से d की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ से कर लिया हमने b माइनस ए इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, देन d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए बाय एन प्लस वन. ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो a प्लस एन डी एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन. तो ये आ जाएगा आपके पास nth अर्थमेटिक मेन. ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना हो सम ऑफ एन अर्थमेटिक मेन्स, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मेन लाई बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, यानी कि ए ए वन ए टू ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मेन है हमारे पास और हमें इसका फाइंड आउट करना है ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सॉन ए एन. एन अर्थमेटिक मेन का हमें सम फाइंड आउट करना है क्योंकि ये एपी के अंदर है, एपी में है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एन बाय टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है हमारे पास, इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, ए वन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ए वन इज ए प्लस डी और डी की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं एन बाय टू इंटू ए वन की वैल्यू हमने यहाँ से ले लिए ए प्लस डी और डी की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, ये है हमारा डी. तो ए प्लस बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, समझ गए, डी की वैल्यू उठाएंगे यहाँ रखेंगे और ए प्लस डी हमने वैल्यू उठा लिए ए वन की, प्लस ए एन की वैल्यू ये फाइंड आउट कर रखी है हमने, तो ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाय एन प्लस वन. ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए और ए टू ए प्लस दिस इज बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एन प्लस वन. वन यहाँ से क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है बी माइनस ए एन प्लस वन, वन यहाँ से आ जाएगा एन यहाँ से आ जाएगा, इससे कैंसिल. दिस इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस बी माइनस ए एन बाय टू टू ए में से ए ए और प्लस बी. तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सम आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक बिटवीन ए एंड बी, तो ये बन जाएगा एन बाय टू ए प्लस बी. अगर यहाँ पे हम पूछें कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक बिटवीन वन एंड टू, वन और टू के बीच में एन अर्थमेटिक सम का, एन अर्थमेटिक का सम कीजिए अप टू सॉन ए एन, तो यहाँ से क्या बनेगा ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सॉन ए एन इज इक्वल टू वन प्लस टू इंटू एन बाय टू. ठीक है, तो ये आ जाएगा थ्री बाय टू इंटू एन. तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, सम ऑफ एन अर्थमेटिक टर्म लाइज बिटवीन ए एन. क्वेश्चन 14, इंसर्ट फाइव नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन ए पी. मतलब क्या दे रखा है आपको, 8 और 26 के बीच में पांच नंबर है, हमने ले लिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव. आपको बताना है कि 8 और 26 के बीच में जो पांच नंबर लाई कर रहे हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कहता है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 8 और 26 के बीच में पांच नंबर लिख देते हैं तो ये हमारी एपी बन जाती है.
आर इन एपी। ये जो सीक्वेंस आएगी ये हमारी एपी बन जाती है, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ 7, तो 26 क्या हो जाएगा, 7th टर्म हो गई दिस एपी की, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म 8 हो गई, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 8, एंड लेट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं डी, ओके। ए सेवन की जगह फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए हमारा 8 है, ए 8 प्लस एन 7 इंटू डी इक्वल टू 26। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 60 इज इक्वल टू 26 माइनस 8, दिस इज 16, देन डी इज इक्वल टू 16 बाय 6, 8 बाय 3, ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बताना है कि ए वन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस एपी में है, तो फर्स्ट टर्म अगर ए है और डी इसका कॉमन डिफरेंस है, तो सेकेंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड कर देंगे, तो हमें सेकेंड टर्म, ये ध्यान रखना है, ए वन इज नॉट अ फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, ठीक है, ऑफ दिस एपी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, सेकेंड टर्म ए वन, थर्ड इज ए टू, तो ये हमने ए वन निकाला, तो फर्स्ट टर्म में डी कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, और 8 प्लस डी की वैल्यू 8 बाय 3, दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 8 बाय 3, एलसीएम लेंगे और ये आ जाएगा दिस। अगर ए टू निकालेंगे तो ए टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म में अगर मैं 2d ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ए पी हमारी कैसी होती है, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम ए पी लेते हैं, माइनस करेंगे तो dd कॉमन डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में d ऐड किया तो सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म में 2d ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई, इसी तरह से हम यहाँ पे करते जाएंगे, 8 प्लस 2d किया हमने, तो 8 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू रखेंगे 8 बाय 3, 8 बाय 3, 8 प्लस 16 बाय 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज द ए टू। ए थ्री क्या आ जाएगा, ए प्लस 3d होता है और a की वैल्यू हमारे पास 8 की बन है, 8 है, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 8 बाय 3, 8 प्लस 24 बाय, इसको सॉल्व करेंगे ए थ्री आ जाएगा। सेम टू सेम तरीके से हम ए फोर फाइंड आउट करेंगे, 8 प्लस 3 4d, और ए फाइव क्या हो जाएगा, ये छठी टर्म है तो 8 प्लस 5d, समझ गए। इस तरह से हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए वन से लेकर ए फाइव। क्वेश्चन 15, इफ ए एन प्लस बी रेज टू पावर एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए प्लस बी, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मीन्स ए एम ऑफ ए एंड बी, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी बाय टू, और ये हमें क्या दे रखा है, ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन अपॉन ए के पावर एन माइनस वन, दिस ए प्लस बी बाय टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए इंटू ए एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी एन माइनस वन, फिर बी के साथ करते हैं तो ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी, और इसके साथ करेंगे तो बी इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ए एन, पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होते हैं, तो ए बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस बी रेज टू पावर एन, ठीक है। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ए एन और बी एन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 2 रेज टू पावर ए एन माइनस ए एन, 2 रेज टू पावर बी एन माइनस बी एन इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन इंटू बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन, ओके। अब यहाँ से हम क्या कैसे कॉमन निकाल सकते हैं कि हमें एन की वैल्यू मिल जाए, इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं, सॉरी इसको ए एन माइनस वन को, ए एन माइनस वन इंटू बी, और इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, माइनस बी रेज टू पावर एन, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे ए रेज टू पावर एन, ए माइनस, जैसे आप ए रेज टू पावर एन कॉमन निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा,
यहाँ से बी बच गया डिवाइड में ए, क्योंकि इसकी पावर इससे एक कम है तो इतना ही डिवाइड में चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे वन आ जाएगा, ए की पावर एन बाहर आ गया। सेम टू सेम तरीके से हम बी एन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए बाय बी माइनस वन। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे इसको, ए एन इंटू ए माइनस बी बाई ए इक्वल टू बी एन ए माइनस बी बाय बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय एन माइनस वन इक्वल टू वन रह जाएगा, तो ए रेज टू पावर बी की पावर एन माइनस वन। और यहाँ से हम कर लेते हैं क्योंकि वन आ रहा है, ए बाय बी की पावर ज़ीरो। वन को हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ए बाय बी की पावर ज़ीरो करेंगे आंसर वन होता है। ठीक है, तो बेस सेम होती है तो पावर हमारी इक्वल, तो एन की वैल्यू आ गई वन। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विच इज़ वन। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके तीन क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो उसको पेंडिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।